पूर्णकालिक शिक्षक बनाने को लेकर सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षक का एक सामान्य शिक्षक का जो पे स्केल है वो दिया जाना चाहिए, सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए और सरकार को चेतना चाहिए इसमें। ये बहुत ही गलत निर्णय है जो सरकार ने लिया है, वोट के माध्यम से पैरवी करके या जैसे किस तरीके से भी शिक्षा मित्रों को एक शिक्षक का वेतनमान, शिक्षकों को मिलने वाली सारी सुविधाएं, क्योंकि इन्होंने बेसिक की रीढ़ को मजबूत करने का काम किया है, बेसिक की नींव को मजबूत करने का काम। सर ऐसा क्यों है कि बिहार में अलग है शिक्षा मित्रों को मानदेय मिल रहा है, यहाँ अलग मिल रहा है? बाराबंकी आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सोमवार को सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष शिव नारायण वर्मा के नेतृत्व में दोपहर शिक्षा मित्र बीएसए कार्यालय पर एकत्रित होना शुरू हुए। 3 बजे तक सैकड़ों शिक्षक शिक्षा मित्र एकत्रित हो गए तथा नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन कर 3 सूत्रीय मांग पत्र, जिसमें अध्यादेश लाकर पूर्णकालिक शिक्षक बनाने व तब तक समान कार्य का समान वेतन दिए जाने, जिले के अंदर मूल विद्यालय या नजदीकी विद्यालय में समायोजन, महिलाओं को उनके ससुराल के पास समायोजित करने आदि मांग शामिल है का ज्ञापन बीएसए बाराबंकी को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष शिव नारायण वर्मा ने कहा कि 2017 में हाईकोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद अवसाद में आकर 10,000 साथी शहीद हो चुके हैं। योगी सरकार कमेटी खेल रही है। 2017 में दिनेश शर्मा और 2023 प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट का कहीं अता पता नहीं है। 2017 में सरकार ने हमारा पारिश्रमिक 40,000 से 10,000 कर दिया और अब तक एक रुपया नहीं बाया है, जबकि महंगाई दर बढ़ती जा रही है। मंत्रियों का वेतन 3 बार बढ़ चुका है। इस महंगाई के दौर में इतने कम मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार हमारे साथ मजदूरों से भी बदतर सलूक कर रही है। महामंत्री सुरेंद्रनाथ मिश्र ने कहा कि अब लड़ाई आर पार की होगी, 5 सितंबर लखनऊ में महासंग्राम होगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि धरना प्रदर्शन ही एक विकल्प है। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संरक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. राकेश सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों की मांगे जायज है, हमारा शिक्षक समाज इनके साथ संघर्ष में हमेशा साथ खड़ा रहेगा। धरने को उमानाथ मिश्र जिला महामंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी संबोधित किया। धरने में संगठन के पदाधिकारी धर्मानंद यादव, अखिलेश पांडे, जगत नारायण, मोहनस, अखिलेश वर्मा, प्रदीप वर्मा, विकास यादव, ब्रजेश सिंह, दिनेश यादव, नानकदेव, अंजू सिंह, प्रतिभा सिंह, रविन्द्र तिवारी, संदीप सिंह, रामशरण वर्मा, अखिलेश वर्मा, विष्णु, अनिल, पवन, रामलखन, रामशरण मौर्य, प्रदीप वर्मा, संजय वर्मा, ललित वर्मा, रामकिशोर, अजय अवस्थी, हरदेव रावत सहित तमाम शिक्षक और शिक्षा मित्र मौजूद रहे।